हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट फिट ट्रेडिंग। स्वागत है आपका हमारे सीगल आईव्यू सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईगल आईव्यू एक ऐसी सीरीज है जहां पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूं, जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाई करें। तो देखिए, ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल जहां पे मैं डेली बेसिस पे इंट्राडे टाइमिंग से मुझे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहां पे शेयर कर देता हूं। अगर आप चाहें तो हमारे इस फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा ऑप्शंस का ग्रुप जहां पे मैं डेली बेसिस पे ऑप्शंस के जो भी ट्रेड मुझे अच्छे लगते हैं मैं आप लोगों के साथ यहां पे शेयर कर देता हूं। याद रखिएगा, इन दोनों ग्रुप्स में मैं जो भी ट्रेड शेयर करता हूं वो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। उनमें मेरी आपको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं होती। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज जीआरएम ओवरसीज। इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये स्टॉक मैंने दो बार आप लोगों के साथ कवर किया था। एक बार इस एरिया पे जब प्राइस ने इस तरीके से ट्रेंडलाइन का रिजेक्शन दिया था, प्राइस ने ब्रेकआउट किया था, रिटेस्ट किया था और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी। मैंने इस एरिया पे शेयर किया, प्राइस थोड़ा सा साइडवेज गया, थोड़ा सा ऊपर गया, एक फॉल आया। दोबारा से मैंने इस सपोर्ट पे आप लोगों के साथ देखिए जीआरएम ओवरसीज शेयर किया था। इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास ये दोनों स्विंग के टारगेट देखे और ऊपर के जो हमारे फर्दर टारगेट्स हैं उन सबके साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या किया प्राइस ने दोबारा से एक बड़ा मैनिपुलेशन किया ऑपरेटर ने, यहाँ पे एक हेवी सेलिंग दिखाई, क्योंकि जब तक ये हेवी सेलिंग नहीं आती तब तक ये प्राइस ऊपर नहीं जा पाता। तो देखिए किस तरीके से मैनिपुलेशन हुआ है, कंटिन्यूअसली सेलिंग कराई गई है कि यहाँ पे जितने भी बायर्स है सबको बेच के निकाला जाए। और उसके बाद देखिए प्राइस ने यहाँ पे कितनी बड़ी यहाँ पे हमें रैली देता हुआ दिख गया है, ठीक है। तो मैंने अक्सर बोला है कि जब तक प्राइस में मैनिपुलेशन नहीं होगा सपोर्ट एरिया से और बायर्स को नहीं निकालेंगे ऑपरेटर, तब तक प्राइस एक बड़ा मोमेंटम नहीं दे सकता, ठीक है। एग्जैक्ट वही चीज हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे देने के बाद इसने कितने परसेंट का फॉल किया था, एक बार को ये देख लेते हैं। इसने फॉल किया था यहाँ पे ऑलमोस्ट 45% के आसपास का, अक्टूबर मंथ से लेके यहाँ पे मार्च मंथ, यानी कि अगर आप ठीक ठाक देखें तो 5 महीने इसने खाली फॉल किया। उसके बाद अभी यहाँ पे अगर इस एरिया से हम देख ले इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया, एक बार को इसने रिटर्न दिया यहाँ पे 22% के आसपास का, यानी कि अगर हम ठीक ठाक समझे तो 10 मंथ्स के अंदर ओनली 22% का रिटर्न है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है। अभी अगर आप इस चीज को ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक का मैं मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट लेके जाता हूं और एक बार मैं अगर इसके वॉल्यूम वगैरह ऑन कर दूं, आपको एक चीजें दिख रही है यहाँ पे, देखिए राइजिंग वॉल्यूम के साथ ही पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा रहा है, वो भी मंथली का राइजिंग वॉल्यूम है। और एक चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से अगर मैं एक एरिया ऑफ रिजेक्शन मार्क कर दूं, देखिए रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, प्राइस ने एक बड़ा मैनिपुलेशन किया। उसके बाद देखिए प्राइस किस तरीके से कंटिन्यूअसली यहाँ पे 3 मंथ से मोमेंटम देता हुआ दिख रहा है। प्लस अभी ये जो हमारा एक रेंज था ना जहां से प्राइस कंटिन्यूअसली रिजेक्ट हो रहा था, उसका भी हमें वॉल्यूम के साथ सबसे बड़ा वॉल्यूम अभी तक का जीआरएम ओवरसीज में हमें देखने को मिल गया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक ने 10 मंथ्स में ओनली 22% का रिटर्न और मेरे देने के बाद 45% का फॉल किया था। मैं अक्सर बोलता हूं कि मैं गलत भी होऊंगा, क्योंकि गलत होने की पॉसिबिलिटी 100% है बट सही होने की कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। बट देर इज 100% पॉसिबिलिटी कि मैं गलत हो जाऊं, ठीक है। तो जब मैं गलत भी होता हूं मैं उन सारी चीजों को भी आप लोगों के सामने एडमिट करता हूं। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार को वॉल्यूम को ऑफ कर देता हूं। अभी ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए हमारे ये फर्दर टारगेट्स की तरफ बढ़ रहा है। इस एरिया से जब मैंने पहली बार दिया था यहाँ से एक मैनिपुलेशन हुआ, उसके बाद ये दोबारा से रेडी हो रहा है। यही हमारे सारे स्विंग के टारगेट हो जाएंगे एक बार के लिए, ये सारे टारगेट्स अचीव करेगा ना। तो प्राइस ने यहाँ पे जितने परसेंट का फॉल किया था, फिर 62% हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हुए दिख जाएंगे। ये कहीं ना कहीं एग्जैक्ट हमारा यही एरिया आ रहा है, दैट इज प्रीवियस हाई पर्टिकुलर स्टॉक का, दैट इज जीआरएम ओवरसीज, ठीक है। अभी देखिए इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया ना, हो सकता है थोड़ा सा ऐसे रिटेस्ट वगैरह करने आए, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करे, उसके बाद एक मोमेंटम हमें शुरू होता हुआ दिख सकता है जीआरएम ओवरसीज में, जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया था, ठीक है। तो यही था आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज जीआरएम ओवरसीज। बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है एसएच केलकर। देखिए एसएच केलकर मैंने आप लोगों के साथ हमारे फ्री टेलीग्राम पे भी दिया था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ये एसएच केलकर था जहां पे मैंने आप लोगों के साथ देखिए शेयर किया था। ये कब का है, 12/1/2024, यानी कि 1 जनवरी 2024 को मैंने यहाँ पे शेयर किया था। जब यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया था 150-154 के आसपास, वहां से जब ये ऊपर जा रहा था तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से इसने क्या करें, यहाँ से इसने दोनों टारगेट अचीव कर दिए हैं, ओके। अभी देखिए यहाँ से इसने सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं। इसने हमें यहाँ पे कितने परसेंट के आसपास का रिटर्न दिया है, 43%। हमारे जो दोनों स्विंग के टारगेट थे दोनों टारगेट अचीव हुए। फिर देखिए मार्केट ने एक मैनिपुलेशन करा, फिर ऊपर गया, फिर मैनिपुलेशन किया, फिर ऊपर गया, फिर मैनिपुलेशन किया। इसका रीजन हम समझते हैं एक बार। देखिए मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हम जब चले जाते हैं ना,
इस चीज को ध्यान से समझ गए। देखिए ये एक पर्टिकुलर एरिया था जहां से जब प्राइस ने ब्रेक किया ना, अगर मैं इस तरीके से एक जोन मार्क कर दूं, इस जोन को आप समझ गए कि जब प्राइस ने इस जोन को ब्रेकडाउन दिया ना, तो इसी एरिया से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। उसके बाद अगर मैं इस जोन को एक बार हटा दूं, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल रे मार्क करा है, देखिए एग्जैक्ट इसी एरिया से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। फिर प्राइस आया, फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट किया। मैंने बोला है कि जब भी मल्टीयर ब्रेकआउट होता है ना, प्राइस मैनिपुलेशन मल्टीपल टाइम करेगा, और प्राइस ने वही किया है। बट अभी अगर आप ध्यान से देखें 2018 के ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे 2024 का ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, देखिए विथ वॉल्यूम हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। प्राइस ने हल्का सा मैनिपुलेशन किया, रिटेस्ट करके अभी ये प्राइस रेडी है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले समय से मिनिमम इसका जो प्रीवियस हाइज है ना, दैट इज 65% यहां से मूव कर सकता है, और आने वाले समय में इसने जितने परसेंट फॉल करा था ऊपर से, ये उतना और भी ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर एक बार को हम देख लें इन एरियाज को कि इसने कितने परसेंट का फॉल किया था, इसने फॉल किया था 86% हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हुए दिख जाएंगे। सो दिस कुड बी आर टारगेट्स इन फ्यूचर इस पर्टिकुलर स्टॉक में, दैट इज एसएच खेलकर। ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट मेरे हिसाब से हो चुका, मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी रेडी है। ठीक है, तो यही था आज का हमारा सेकेंड स्टॉक, दैट इज एसएच खेलकर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है आर ए ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड। आर ए ड्रग्स को देखिए यहाँ पे लाने का एक सिंपल रीजन था। अभी देखिए आर ए ड्रग्स मैंने आप लोगों के साथ दो दिन पहले हमारे फ्री टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए मैंने 13 अगस्त को शेयर किया था, यानी कि ट्यूजडे को मैंने शेयर करा था 14 अगस्त को मैंने शेयर करा था, वेंसडे का दिन था, मैंने 56 पे शेयर करा था। देखिए उसने सेम डे यहाँ पे 7-8% की इंट्राडे की रैली दे दी थी उसने। ठीक है, उसके बाद देखिए आज यहाँ पे क्या हुआ है, आज हमें यहाँ पे दोबारा से एक मोमेंटम देखने को मिला है 10% के आसपास का। ठीक है, इसमें देखिए सिंपल सा प्राइस एक्शन है, बस थोड़ा सा इसे ब्रॉडर हम समझेंगे। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस तरीके से मैं एक हॉरिजॉन्टल रे मार्क करता हुआ दिख जाऊंगा। एकदम सुंदर सा प्राइस एक्शन पैटर्न है, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। देखिए ये हो गया हमारा एक कप, ठीक है, और ये हो गया हमारा एक हैंडल। ठीक है, कप एंड हैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो इसने जितने परसेंट का फॉल किया था, ये जो डेप्थ है हमारा 65% हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हुए दिख जाएंगे, और ये एक बार को हमारे टारगेट्स हो जाएंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में, दैट इज आर ए ड्रग्स। ठीक है, तो ये वाले एरियाज को एक बार को मैं मार्क कर लेता हूं। ठीक है, और ये हमारे आने वाले समय में जैसे ही प्राइस इस एरिया को ब्रेक करेगा, यहां से एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और अगर आप वीकली में वॉल्यूम देखें ना, देखिए काफी बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे प्राइस निकलने की कोशिश कर रहा है, तो अगर इसे ब्रेकआउट देता है तो ये आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। मैंने ये जब आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने बोला था 65 का मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है, और 65 यानी कि 64 का ही आज इसने यहाँ पे आसपास का हाई लगा दिया है। तो अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं और आपको यहाँ पे दो स्विंग के टारगेट देना चाहूंगा। 70 का हमारा पहला टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा हमारा यहाँ पे 76 के आसपास का। बाकी आने वाले समय में हम एक्सपेक्टिंग कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 105 तक भी जा सकता है, दैट इज आर ए ड्रग्स। ठीक है, अब बढ़ते हमारे लास्ट एंड फाइनल स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है वो है एबी कैपिटल। एबी कैपिटल को अगर आप ध्यान से देखें ना, तो देखिए एबी कैपिटल क्या कर रहा है। एबी कैपिटल में मैं इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल वे मार्क करना चाहूंगा, और इसे जब मैं डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा तो आपको दिख रहा है, ये देखिए ये हमारा एक एरिया ऑफ रिजेक्शन था जहां से प्राइस कंटिन्यूअसली रिजेक्ट हो रहा था। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये जो हमारा सपोर्ट एरिया था कहीं ना कहीं हल्का सा इसे भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मैनिपुलेशन किया, प्राइस ने रिक्लेम किया, रिटेस्ट किया। सेम कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो होता है, हर जगह सपोर्ट को ब्रेकडाउन किया जाएगा, प्राइस मैनिपुलेशन करेगा, रिक्लेम करेगा, रिटेस्ट करेगा, और उसके बाद हमें बड़ा मोमेंटम देता हुआ दिख जाएगा। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए अभी डबल बॉटम टाइप का चार्ट यहाँ पे बना के जा रहा है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है इसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हो सकता है शॉर्ट टर्म में इस तरीके से कुछ मैनिपुलेशन हो, देन प्राइस इस तरीके से कुछ हमें मोमेंटम देता हुआ दिख जाए। ठीक है, 216 पे चल रहा है, हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे 235 के आसपास का, और हमारा सेकंड टारगेट होगा 256 के आसपास का, जो कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहा हूँ, दैट इज एबी कैपिटल। बाकी अगर आप इसके मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखेंगे ना, तो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर एरिया जो हमारा 256 का है, जहां से प्राइस ने अभी तक दोबारा से एक बार भी रिजेक्शन नहीं लिया है, इस पर्टिकुलर एरिया को प्राइस जैसे ही ब्रेक करेगा ना, तो इसने जितने परसेंट का फॉल करा हुआ था उतना वो ऊपर की तरफ एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। 85% हम यहाँ पे ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, ये हमारे एक बार को टारगेट्स हो सकते हैं एबी कैपिटल में। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे हो सकता है, अगर यहाँ से प्राइस कप एंड हैंडल बनाने में चला गया तो यहाँ पे आपको एक इस तरीके से कप दिख रहा है, राइट, और अगर ये हैंडल बनाने के प्रोसेस में चला जाता है तो दोबारा हमें यहाँ से एक फॉल देखने को मिल सकता है, जो शायद इस एरिया तक आए, इस सपोर्ट को यहाँ पे प्राइस ब्रीच करे,
सपोर्ट एरिया से बायर उसको निकाले और उसके बाद प्राइस यहाँ पे कुछ हैंडल का फॉर्मेशन करके ब्रेकआउट वगैरह देता हुआ दिख सकता है। तो दीज आर द टू प्रोबेबिलिटीज जो मुझे एबी कैपिटल में दिख रही है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको स्विंग के टारगेट्स वगैरह भी दे दिए। तो यही वो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स थे जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस एंड एवरी वीकेंड पे आप लोगों के लिए वीकली शार्प बस्टर्स के एपिसोड भी लेके आते रहता हूं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।